चले जा रहे थे और उसी समय ताड़का आ गई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई और ये कहीं बाण प्राण हर लीना। विश्वामित्र जी ने सोचा जरा पता लगाएं ये भगवान है कि नहीं। तो पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया महाराज, विश्वामित्र जी ने एक तिराहे पर खड़े हुए कहा राघव। बोले हाँ। कहा गुरु जी आप खड़े क्यों हुए? कहा यहां से मेरे आश्रम को दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ते से अपन 3 दिन में पहुंच जाएंगे आश्रम में और एक रास्ते से 3 सप्ताह लगेंगे। कहा गुरु जी ये चक्कर क्या है? कहा चक्कर ये है कि जो 3 सप्ताह वाला रास्ता है ना वो बड़े आराम का है, उसमें कोई कंटक नहीं है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं, और ये जो 3 दिन वाला है ना इसी में सब राक्षस रहते हैं। अब आप बताओ कौन से रास्ते से चले, परीक्षा थी। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने कहा था कि निश्चर बद में हो सना था, निशाचरों को मारना चाहते थे आप। तो महाराज यज्ञ शुरू हो जाएगा तो उसमें फिर निशाचर मारे जाएं, रक्त गिरे चारों तरफ, हिंसा हो, उससे अच्छा है आप इसी रास्ते से चलो ना जो शॉर्टकट वाला है, तो उनको पहले ही संहार कर दिया जाए फिर आप सीधे यज्ञ करना। तो उनको लगा कि है तो कुछ दम तो है। और जो ही इतनी बात कही तो सुन ताड़िका क्रोध कर गए और भयानक गर्जना करती हुई ताड़का उनकी ओर जो ही झपटी। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के पीछे, रघुनंदन रघुनंदन यही ताड़का है दस हजार हाथियों की ताकत रखने वाली। राम जी एक पल के लिए ठहरे, बोले महाराज अयम तु नारी उत्तम, ये तो नारी है, क्षत्रिय को नारी पर प्रहार वर्जित है। कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, नारी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र मधोदित हिंसक दुर्पथ गामिनी हो गई हो उसे वध करने का मैं आदेश देता हूं, ऐस में आदेश आ। जो ही विश्वामित्र ने कहा ऐसे मारो मैं आदेश देता हूं, क्यों ही ताड़का ने सोचा पहले इस ये दाढ़ी वाले को ही निपटा दूं मैं पहले। सब भागी वो विश्वामित्र जी के तरफ और विश्वामित्र जी पीछे, रघुनंदन श्री राम जी ने एक बाण दो बाण नहीं चलाए, बस एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण से और एक ही बाण प्राण, एक बाण गया और उसके विशालकाय शरीर में चुभा और उसके प्राणों को खींच के ले आया। बाण राम जी के सामने है, प्राण सामने खड़े हुए। अब प्राण रोते हुए कहने लगे कि रघुनंदन जी हमारा कोई दोष नहीं है, शरीर ने सब कुछ किया है, हमने कुछ नहीं किया। तो बोले दीन जान ते ही निज पद दीन। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली ताड़का को मेरे राम जी ने जब एक ही बाण से परम धाम पहुंचा दिया, तवर सिने जीना थे जिए थे, तवर सिने जीना थे जिए थे, विद्यानी जी कहूं विद्या की, विद्यानी जी कहूं विद्या की, तवर ऋषि ने जिए चीनी। नाउ ही अंडरस्टूड टू लॉर्ड रामा बाई हार्ट। अब उन्होंने दिल से पहचाना कि नहीं ये भगवान है, अभी तो दिमाग से पहचाना था लेकिन दिल से पहचाना। तब ऋषि निज नाथ हैं जिए चीनी और विद्या निधिकाऊ विद्या दीनी।
जिस दिन तुम परमात्मा को पहचान जाओगे उसी दिन तुम परमात्मा की शरणागति ले लोगे और उसी दिन संसार में आपको नीरसता और परमात्मा में मिठास आने लग जाएगी। जब लोग वृंदावन जाते हैं तो बीच में बड़ी उनको परेशानी होती है, लेकिन वृंदावन में जाते से ही क्या होता है, राधे राधे राधे। आज भी देखो प्रभाव भक्ति का कैसा है, वहां के जो रिक्शे चलाने वाले भी है ना वो भी घंटे नहीं बजाते, राधे राधे पल्ली तरफ हो जाओ, राधे राधे पल्ली तरफ हो जाओ। मीठा रस एक अद्भुत मिठास छोड़ देता है। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। Body।
समर्पण करना चाहिए, बुद्धि और बल, दोनों चीजों का। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तेरा पुरुषार्थ नहीं चाहिए, तू केवल दो चीजें मुझे दे दे, मैये वो मन आधत सो और मई बुद्धिम निवेश है। मन मानी, ये मन बड़ा ताकतवर होता है, ये बल मुझे तू दे दे। मैये वो मन आधत सो, और विश्वामित्र जी महाराज ने ये दोनों चीजें राम को समर्पित की। तब ऋषिन जी नाथ जी ये चीनी, तड़का के मारे जाने के बाद
और तड़का के मारे जाने के बाद नहीं, उसका उद्धार होने के बाद संसार का कोई भी वीर मार तो सकता है लेकिन तार नहीं सकता है, लेकिन तार अगर कोई सकता है तो वो करतार ही तार सकता है। इसलिए जान गए कि मेरा करतार है।